इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का मैच हुआ। अभी वो इंडिया का पहला ही मैच था जिसमें 6 विकेट के साथ उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया पर इस जीत के साथ कंफर्म हो गया है भारत का सेमीफाइनल टिकट? आप कहेंगे इस बात का कोई प्रूफ है, कोई सबूत है या कोई गवाह है आपके पास? तो आपको बताते हैं, यहाँ भारत की इस जीत के बाद कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि टीम इंडिया का सेमीफाइनल खेलना तय हो गया है। जी हाँ, जब भी भारतीय टीम ने अपने वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के साथ की है, तब तब टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही है, ये बात आप भी जानते हैं। आइए इसे कुछ स्टैट्स के माध्यम से समझते हैं। पहला, टीम इंडिया ने पहली बार 1983 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीता था। तब भारत सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ साथ खिताब भी अपने नाम करने में कामयाब रहा था। इसके बाद 1996 और 2003 वर्ल्ड कप के दौरान भारत ने अपना पहला मैच जीता और टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में भी कामयाब रही। उसके बाद 2011 की बात करें तो 2011 के बाद से भारत लगातार वर्ल्ड कप के अपने शुरुआती मतलब पहले मैच जीतता आ रहा है और सेमीफाइनल का टिकट भी काटता आ रहा है। इन आंकड़ों को देखकर अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी टीम इंडिया का सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो ही गया है। अगर बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पहला मैच है उसके बारे में, तो भारत ने वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया की 24 साल पुरानी जीत का सिलसिला खत्म कर दिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया 1999 से लगातार वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच जीतता आ रहा था। इस दौरान इस टीम ने 4 बार टाइटल भी जीता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो 24 साल पुराना रिकॉर्ड था वो टूट चुका है, भारत ने तोड़ दिया है। मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की और निराशा हासिल हुई। पूरी टीम महज 199 के स्कोर पर सिमट गई और 5 बार की वर्ल्ड कप चैंपियन टीम से ऐसी शुरुआत किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने इस दौरान 40 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना सका। 200 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने 2 ओवर में 3 झटके देकर पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन हम हैं इंडिया वाले। विराट कोहली और केएल राहुल ने फिर जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को धोया, मैच एकदम से माहौल में बदल गया। कोहली ने 85 रन बनाए जबकि केएल राहुल ने नाबाद 97 रन बनाए और केएल राहुल को मिला मैन ऑफ द मैच। अब इंडिया का जो अगला मैच है वो 11 अक्टूबर को है, अफगानिस्तान के साथ है, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। और 11 अक्टूबर यानी कल हार्दिक पांड्या का जन्मदिन भी है, तो उनके लिए दिन और भी ज्यादा खास रहेगा। हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया और अफगानिस्तान कुल 3 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। भारत ने इनमें से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि जो तीसरा मैच है वो ड्रॉ रहा था। अब देखते हैं जो मैच 11 अक्टूबर को होने वाला है, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, उसमें किसका दबदबा कायम रहेगा। इन दोनों टीमों में से आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं हमें कमेंट करके बताएं, और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़बुक के साथ जुड़े रहें।